तो फ्रेंड्स ऐसे हमारा नेटवर्क का और नया टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक और नया चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो पूरा जो नेटवर्क किस पर है, पूरा जो नेटवर्क का सिस्टम किस पर है, किन किन चीज़ों पर है, मैंने इनमें से थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। ओके, वैसे नेटवर्क तो जितना आप सोचेंगे उतना बड़ा नेटवर्क है कंप्यूटर का और इंटरनेट का। तो इंटरनेट और नेटवर्क का भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा किस तरह से मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर फर्क है यहाँ पर। तो ज़्यादातर आपको टेंशन और आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो नेटवर्क की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे नेटवर्क का सीरीज़ का ये नया वीडियो है यहाँ पर। और नेटवर्क के अंदर तो मैंने कहा था कि अगर आपको कंप्यूटर के नेटवर्क को समझना है तो पहले आपको इन सभी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है वो किस तरह से काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के बारे में होना चाहिए, और सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ये सभी ये चार चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और मैंने पहले से इन सभी की प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। तो मेरे चैनल में जाकर इन प्लेलिस्ट को आप ढूंढ कर आप क्या कर सकते हो, ठीक तरह से आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। प्लस आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो आपको कंट्रोल पैनल आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो कंट्रोल पैनल हमारे जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है, तो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो हमारा कंट्रोल पैनल होता ही यहाँ पर। तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाकर रखी है यहाँ पर अलग अलग पार्ट वाइज, तो इसकी भी सीरीज़ है क्योंकि मेरी सभी सीरीज़ पार्ट वाइज होती है। और कुछ वेबसाइट के भी मैंने बनाकर रखे सिस्टम्स। ओके, तो वेबसाइट की जो अलग अलग आपको नॉलेज ना हो तो मैंने वो भी सीरीज़ अलग बनाकर रखी है यहाँ पर। ओके, तो बात हम करते हैं नेटवर्क की इन छोटे से मैसेज के बाद। तो कोई भी हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क है, एक नेटवर्क क्या होता है, इन सभी का मैंने वीडियो बनाकर रखा है यहाँ पर, और सभी वीडियो मैंने पार्ट वाइज बनाकर रखी है। मैंने ये भी आपको बताया था कि नेटवर्क की हिस्ट्री और नेटवर्क की जो कंप्यूटर के नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ था वो। ओके, फिर हम क्यों यूज़ करना पड़ता है नेटवर्क के कनेक्शन को और इंटरनेट के कनेक्शन को। और यहाँ पर हमने छोटा सा नेटवर्क का डायग्राम का डिस्कस किया था, वो भी वीडियो आप जाकर देखें। फिर मैंने टॉपोलॉजी समझाई थी, टॉपोलॉजी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर हमारे नेटवर्क के अंदर। पॉइंट टू पॉइंट टॉपोलॉजी, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टॉपोलॉजी, बस टॉपोलॉजी, रिंग मेस, स्टार टॉपोलॉजी, हाइब्रिड टॉपोलॉजी, ट्री टॉपोलॉजी, इन सभी टॉपोलॉजी के बारे में बताया था। एक टॉपोलॉजी किस तरह से काम करती है, पॉइंट टू पॉइंट टॉपोलॉजी क्या होती है, यहाँ पर एडवांस टेज उसके कुछ डिसएडवांटेज, फिर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में आपको समझाया था ये भी कौन सी, यहाँ पर उसके कुछ और भी मैंने सिस्टम समझाए थे। बस टॉपोलॉजी मैंने समझाई थी क्या होती है बस टॉपोलॉजी, उसके कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज। रिंग टॉपोलॉजी मैंने आपको समझाई थी यहाँ पर एडवांटेज डिसएडवांटेज। मैंने मैश टॉपोलॉजी समझाई थी क्या होती है मैश टॉपोलॉजी, उसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज समझाया था मैंने। स्टार टॉपोलॉजी मैंने समझाई थी यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पर उसने किस तरह से अलग अलग यहाँ पर नेटवर्क के मॉडल्स भी क्रिएट हुए थे स्टार टॉपोलॉजी के टाइप के अंदर, तो वो भी वीडियो जाकर देखें। मैंने उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी समझाए हैं यहाँ पर। और हाइब्रिड टॉपोलॉजी मैंने आपको समझाई थी ये किस तरह से काम करती है यहाँ पर, उसके एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी आपको समझाए थे मैंने। ट्री टॉपोलॉजी समझाई थी जो आजकल बहुत ही फेमस है, सभी कंपनी गूगल फेसबुक याहू जितने भी कंपनी इसी स्ट्रक्चर पर इसी आर्किटेक्चर पर ये काम होती है यहाँ पर। स्टार टॉपोलॉजी किस तरह से काम करती है और इसके बाद हाइब्रिड और हाइब्रिड के बाद ट्री टॉपोलॉजी में समझाई थी और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज में समझाई थी यहाँ पर। ओके, प्लस मैं नेटवर्क बैकबोन समझाया था, नेटवर्क बैकबोन किसे कहा जाता है और नेटवर्क बैकबोन के क्या रूल्स और कुछ सिस्टम्स होती है, तो वो भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जाकर देखें। तो आज हम जो सीखने वाले हैं जो नेटवर्क का ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट नेटवर्क डिवाइसेस चैप्टर है यहाँ पर, नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो छोटा से छोटा भी आपका कंप्यूटर का सिस्टम हो या फिर आप कोई भी मोबाइल भी यूज़ करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो चार्ज करते हो मोबाइल को, तो वो चार्जर भी एक डिवाइस हुआ, चार्जिंग डिवाइस हुआ, पावर डिवाइस हुआ। आप मेमोरी कार्ड एंटर करते हो अपने मोबाइल के अंदर, तो एक स्टोरेज डिवाइस हुआ, तो वो स्टोर करते हो डेटा को, डेटा को अंदर रखते हो आप मेमोरी कार्ड को। ओके, फिर यहाँ पर
राउटर की बात की ही तो भी राउटर क्या होता है उन सभी को भी धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको सिंपल समझ देता हूँ कि कोई भी नेटवर्क जो होता है वो डिवाइस पर काम करता है। आजकल के टाइम के अंदर डिवाइस के बिना आपका नेटवर्क पॉसिबल है ही नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि बैटरी है, तो बैटरी एक पावर की तरह काम करती है। आपका बैटरी निकाल दोगे आप मोबाइल में से, या तो फिर आपके कोई कार में से निकाल दोगे किसी भी, तो पावर का डिवाइस है वो, तो वो पावर नहीं मिलेगा। प्लस उसको पावर को यूज़ करने के लिए उसके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, उसकी सर्किट बोर्ड होते हैं यहाँ पर, तो वो सर्किट बोर्ड भी एक तरह का आर्किटेक्चर, उसका हार्डवेयर होता है यहाँ पर। तो हार्डवेयर भी आपको मैंने समझाया था, कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो जाकर प्लेस में देखे, और अलग अलग मैंने बताई यहाँ पर हार्डवेयर की वीडियो कौन कौन सी होती है यहाँ पर। ओके, तो ये नेटवर्क डिवाइसेस की बात करता हूँ यहाँ पर, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम सीख लेते हैं। तो ये जो नेटवर्क डिवाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये मोबाइल का नेटवर्क और कंप्यूटर का नेटवर्क, दोनों नेटवर्क का काम करता है यहाँ पर। ओके, तो चाहे वो टेलीफोन कंपनी का हो, या वायर हो, या वायरलेस हो, कोई भी हो, इन सभी डिवाइस में से कुछ डिवाइस तो यूज़ आज भी होते ही है। इनके बिना आपका कोई भी नेटवर्क कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो कंप्यूटर के अंदर आप चाहे फिर कोई भी आपका माउस का डिवाइसेस हो, चाहे वही कीबोर्ड है आपका। तो डिवाइसेस क्या होता है, मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर की वीडियो के अंदर बताया, यहाँ पर स्पेशल डिवाइसेस करके मैंने वीडियो बनाकर रखा है यहाँ पर कि इतने टाइप के डिवाइसेस होते हैं। तो मैंने समझाया था कंप्यूटर हार्डवेयर की वीडियो के अंदर, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको ये वीडियो धीरे से आपको वो नॉलेज आ जाएगी यहाँ पर, और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस फिर स्टोरेज डिवाइस, अब नेटवर्क की बात करते हैं यहाँ पर। ओके, तो कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर हमारे नेटवर्क को, हमारे एक कोई भी हम गूगल का वेबसाइट ओपन करते हो, तो वो कितना डेटा हमारा ट्रांसफ़र होकर गूगल के पास जाता है, फिर गूगल हमारे पास लाता है। तो इन सभी का डेटा जो होता है वो किसे ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि मोबाइल से या कंप्यूटर से या किसी भी तरह से आप इंटरनेट चलाते हो, तो आप लिखते हो कि www.google.com लिखते हो, तो वो गूगल ओपन होता है आपके मोबाइल के अंदर, या तो फिर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर। तो वो जो आपने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे google.com का वेब पेज ओपन करना है, मुझे वेब पेज चाहिए, तो वो डेटा कैसे ओपन होगा, सर्वर पर पहले आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है और फिर गूगल आपको वो वेब पेज ओपन करेगा। सिंपली आज के टाइम के अंदर यूट्यूब की बात करते हैं यहाँ पर, यूट्यूब ऐसा सिस्टम बन चुका है यहाँ पर कि वीडियो स्ट्रीमिंग का, तो आप वीडियो की बात करते हो, तो जो आप यूट्यूब के कोई भी चीज़ सर्च करते हो, तो वो सर्च किया हुआ जितना भी आपका वीडियो का लिस्ट आता है, तो वो लिस्ट कैसे ही मिलता है, उस डेटा को आपके पास आने तक वो डेटा आपके नेटवर्क के अंदर या तो फिर आपके मोबाइल के अंदर आते वक्त किन किन डिवाइसेस से वो पास होकर यहाँ पर आया आपके पास, किन किन डिवाइस से वो यहाँ पर अलग 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 वो डेटा घूमकर आपके पास आया, तो वो जो सिस्टम जो होते ही यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइसेस से ही होता है यहाँ पर। ओके, तो हमारा सैटेलाइट होता है, तो सैटेलाइट भी एक तरह का ऐसा एक डिवाइसेस एक ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर, उसके भी मैं बात करूँगा सैटेलाइट किस तरह से काम करती है, उसके लेवल कौन से होते हैं, उसके ऑर्बिट कितने टाइप के होते हैं, प्लस सैटेलाइट के वायरलेस फ्रिक्वेंसी कितने टाइप्स की होती है यहाँ पर वो भी बताऊँगा यहाँ पर। ओके, हमारे अर्थ की इन्वायरमेंट से बाहर भेजते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि केबल से आप कोई सिग्नल भेजो वहाँ पर, तो वो वायरलेस से ही काम करता है, वायरलेस से ही यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो जो डेटा वहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होने के लिए वो डेटा ट्रांसफ़र घूमता हुआ आपके पास आता है, तो वो कितने डिवाइसेस से यहाँ पर वो आता है यहाँ पर, तो इन सभी डिवाइसेस का मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। फिर मैं सभी के एक 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 यहाँ पर एक सीरीज लेकर आऊँगा यहाँ पर अलग से। ओके, तो हर डिवाइसेस को भी ध्यान से समझाऊँगा वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से वर्क करता है,
और जब हमारा कोई भी हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क हो या मोबाइल का नेटवर्क है, तो कभी कभी हमें नेटवर्क कहते हैं कि हम नेटवर्क खराब है, मोबाइल का नेटवर्क खराब है, कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क का सिस्टम बराबर चल नहीं रहा। तो आप वो कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे आप ढूंढ लोगे, तो वो किन कारण से कारण सर होता है, यहाँ पर कौन सा कारण सर होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो बात कर लेते हैं नेटवर्क के डिवाइसेस के अंदर। हम चाहे कितने भी लोग हो, चाहे कितने भी सिस्टम के लोग हो, तो वो नेटवर्क का जो ट्रैफिक होता है उसको हैंडल करने के लिए भी स्पेशल डिवाइसेस होते हैं यहाँ पर। तो अगर आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा, तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला एक ही जगह पर होता है, लेकिन सभी ट्रैफिक के सिस्टम को रोक कर रखता है यहाँ पर। या फिर कुछ जगह पर हमें जो उनका टाइम होता है तो वो निकलते हैं यहाँ पर, और जिनको स्टॉप करना है वो स्टॉप कर देता है। तो एक कंट्रोलर का काम करता है, एक ट्रैफिक का कंट्रोल करना है। तो उसी तरह से नेटवर्क के अंदर भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं यहाँ पर। प्लस यहाँ पर अगर आप लिखते हो कि www.youtube.com लिखते हो, यूट्यूब ओपन हुआ, आपने वीडियो सर्च किया, आपने कॉमेडी वीडियो देखी, तो वो वीडियो जहाँ से जिस सर्वर से पास होकर आता है, डिवाइसेस जिस डिवाइसेस के थ्रू पास होकर आता है यहाँ पर, या तो फिर हम यूँ कहें कि वो डिवाइस आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, वो सर्विस फिर दूसरे डिवाइस को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ऐसे करके आपके सिस्टम के, आपके मोबाइल के अंदर वो डेटा आता है, तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं आता है, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारे सिस्टम से गुजरना पड़ता है उस डेटा को। वो कौन कौन से होते हैं वो भी मैं समझाऊंगा। ओके, तो ये डिवाइसेस की मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चाहे हम कोई भी बिल्डिंग हो, चाहे कोई भी हमारा घर हो, ऑफिस हो, चाहे हम किसी भी सड़क पर साइड पर बैठकर हम किसी को फोन करते हो, कॉल करते हो, या तो फिर आप किसी भी कैंप्स में, या तो फिर किसी भी घर में बैठकर आप कोई वीडियो देखते हो, या तो फिर आप इंटरनेट से कोई वेबसाइट ओपन करते हो, या तो फिर कोई भी आप अपना प्रोग्राम सेट करते हो, तो वो किसी ना किसी नेटवर्क का यूज़ कर रहा है, कोई ना कोई नेटवर्क का यूज़ कर रहा है, और उसका कोई ना कोई उसका डिवाइसेस जो है आपका डेटा उस सर्वर के पास पहुंचा रहा है यहाँ पर। तो जैसे कि आप पिक्चर्स के अंदर देख रहे हो कि बहुत सारे यहाँ पर नेटवर्क है, बहुत बहुत अलग अलग नेटवर्क है, और बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग भी है यहाँ पर, लेकिन हर बिल्डिंग के पीछे जो सिस्टम जो होती है यहाँ पर, वो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो या कोई भी हो, वो कोई ना कोई ऐसी सिस्टम जो है वो आपके डेटा को मेन सर्वर के तक पहुँचाने का काम करता है। तो वो जो मेन सर्वर के साथ और हमारे बीच जितना भी ये जो डिस्टेंस है, इन सभी के अंदर ही हमारा जो नेटवर्क किस तरह से काम करता है, और प्लस हमारा कौन कौन से डिवाइसेस काम करता है, वही हम सीखेंगे। तो मैंने टोपोलॉजी आपको मैंने समझाई थी, आपको टोपोलॉजी जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, वो दो बहुत ही आप इस सिस्टम के अंदर काम लगेगी। ओके, तो टोपोलॉजी का वीडियो ना देखा तो आप देख ले, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टार्ट होने वाला है नेटवर्क का। तो चाहे हम सैटेलाइट की बात कर लेते हैं, तो सैटेलाइट को भी एक सिग्नल और रिसीव करने के लिए भी एक सिग्नल का एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है यहाँ पर। तो सैटेलाइट को कंट्रोल करने का भी एक एक सिस्टम होता है यहाँ पर, एक कोई ना कोई एक उसका डिवाइसेस होता ही है यहाँ पर। तो उसको मूवमेंट करने के लिए सैटेलाइट को भी कहीं ना कहीं सिग्नल को भेजना पड़ता है और रिसीव करना पड़ता है। तो कोई भी आपका कंप्यूटर हो, कैसा भी कंप्यूटर हो, वो कहीं ना कहीं डिवाइसेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। हम चाहे कोई भी वेबसाइट ओपन कर ले, कोई भी हम यूट्यूब ओपन करके, हम कोई भी वीडियो ओपन करें किसी भी डिवाइसेस से, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, हमारा नेटवर्क का इंटरनेट, और इंटरनेट किसी ना किसी हमारे सर्वर से वो हमें ये डेटा प्रोवाइड करता है यहाँ पर। ओके, तो पहले हम कोई भी हमारा कोई सिस्टम हो, चाहे कोई भी डिवाइसेस हो, कोई भी चाहे वायरलेस टेक्नोलॉजी या फिर वायर टेक्नोलॉजी हो, कोई भी डिवाइसेस हो, जैसे भी डिवाइस हो, कितने भी डिवाइसेस हो, वो हर डिवाइस का स्पीड, उसका हमारा बिहेवियर, और प्लस हमारा डिवाइसेस का बिहेवियर, प्लस हम जो चाहते हैं वो उस तरह से वो काम करें, तो वो सिस्टम आपको सब कुछ समझ नहीं होगी। तो ज़्यादातर कुछ लोगों को देखा होगा कि कुछ कंप्यूटर यूज़ करने वाले कुछ जगह पर वो फाइल डाउनलोड करते हैं, फिर उसी मोबाइल के अंदर
वीडियो भी देखते हैं। तो दोनों में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है एक ही सिस्टम के अंदर, एक ही कंप्यूटर के अंदर। तो कभी कभी नेटवर्क जो होता है स्लो होता है, कभी कभी हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कभी कभी हमारा मोबाइल भी हैंग होता है, और प्लस हमारा मोबाइल भी चलता भी नहीं है, कभी कभी हमारा मोबाइल बंद भी हो जाता है। तो ये जो होता है वो लोड होता है यहाँ पर, तो वो लोड भी उठा सके इस तरह से, वो किस तरह से काम आता है, इसीलिए हमारे नेटवर्क के डिवाइसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर। उसके अंदर कितने सारे केबल्स होते हैं उस नेटवर्क को चलाने के लिए। अगर केबल भी यूज़ नहीं करते तो वायरलेस टेक्नोलॉजी वो कहीं ना कहीं पावर को यूज़ करने के लिए भी केबल का यूज़ करती ही होगी, वायरलेस टेक्नोलॉजी भी। इन सभी सिस्टमों के कारण ही चलता है इंटरनेट। तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क ही है। तो ये जो इंटरनेट होता है, लोगों को पता नहीं होता है कि इंटरनेट क्या होता है, लेकिन इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क जो बहुत सारे नेटवर्क से मिलकर बना होता है इंटरनेट। इसको भी मैं इंटरनेट को ध्यान से पढ़ाऊँगा आपको धीरे धीरे करके, ओके। तो उसकी भी मैं इसके बाद ही मैं सीरीज लेकर आऊँगा इंटरनेट और नेटवर्क के बीच में, थोड़ा सा क्या गैप है यहाँ पर, ओके। तो हम पहले बात कर लेते हैं नेटवर्किंग हार्डवेयर के अंदर। तो नेटवर्किंग हार्डवेयर जैसे कहा कि जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं उससे यहाँ पर हमारे उसको ऑल्सो कॉल्ड एज अ नेटवर्क इक्विपमेंट और कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो कुछ लोग उसको नेटवर्क हार्डवेयर बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा मान कहते हैं कि नेटवर्क इक्विपमेंट बोलते हैं, या तो फिर उसको नेटवर्किंग डिवाइसेस बोलते हैं। यहाँ पर आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इलेक्ट्रॉनिक सभी डिवाइसेस होते हैं, सभी को इलेक्ट्रॉनिक पावर चाहिए होती है, लेकिन वो पावर सिर्फ पावर देने से काम नहीं चलेगा। उस पावर का यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिवाइसेस, और वो डिवाइसेस चलने के लिए पावर का यूज़ करती है। यहाँ पर हमारा जो कोई डेटा आता है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे कोई डिवाइसेस के अंदर, तो वो डेटा आगे कैसे भेजा जाएगा, किस सिस्टम के अंदर भेजा जाएगा। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए ही यहाँ पर दो डिवाइस के बीच हो, या कंप्यूटर हो, या फिर हमारा मोबाइल हो, या टैबलेट हो, या लैपटॉप हो, या पेजर हो, या सैटेलाइट हो, या फिर कोई भी हमारा कोई भी बड़ा से बड़ा नेटवर्क क्यों ना कंपनी का हो, या लोकल नेटवर्क हो, या फिर छोटा सा हमारा घर के अंदर एक सिंपल सा हमारा मोबाइल का नेटवर्क क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिवाइसेस से वो जुड़ा हुआ होता है यहाँ पर। तो हमारा जो मोबाइल होता है वो टावर की डिवाइसेस से जुड़ा होता है, वायरलेस टावर के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमारा घर के अंदर जो लैंड फोन नंबर होता है, लैंडलाइन नंबर होता है, लैंडलाइन जो मोबाइल हमारा जो फ़ोन होता है, टेलीफोन होता है, वो किसी ना किसी कंपनी के डिवाइसेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो कंप्यूटर की बात करता है तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे आपको डिवाइसेस मिलता ही यहाँ पर। तो इन सभी का मैं डिवाइसेस की अंदर डिस्कस करूँगा। तो स्पेसिफिकली दे मेडिनेट डेटा ट्रांसमिशन इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो सीधी बात है कि अगर आप जो इंटरनेट चला रहे हो तो उसके अंदर कंप्यूटर तो यूज़ करना ही होगा। इंटरनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर से ही इंटरनेट हमारा सिस्टम में आया, हमारे वर्ल्ड में आया। तो बिना कंप्यूटर के आपका कोई भी डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है यहाँ पर, ओके। तो बात करते हैं हमारे नेटवर्क की। तो नेटवर्क तो इलेक्ट्रॉनिक उस वक्त आ चुका था जब हमारा टेलीफोन आया था। मैंने आपको समझाया था नेटवर्क की हिस्ट्री के बारे में। तो जो अगर आपने वो वीडियो मेरी देखी होगी तो आपको मैं किस बारे में बात करूँ उसको जल्दी पता चल जाएगा आपको। लेकिन बात करते हैं इंटरनेट कैसे आया। तो इंटरनेट को भी लाने के लिए बहुत सारी कंप्यूटर के नेटवर्क को जुड़ा कर ही बना है यहाँ पर इंटरनेट। प्लस यहाँ पर प्रॉब्लम तब आई कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र नहीं होते, तो उस सिस्टम को एक दुनिया के दूसरे कॉर्नर तक कैसे पहुँचाया जाए। तो उसके लिए स्टार्ट हुआ सैटेलाइट सिस्टम। सैटेलाइट सिस्टम ही जीपीएस सिस्टम को कंट्रोल करता है यहाँ पर, लेकिन वो कंट्रोल ऐसे नहीं होता है, उसके साथ भी बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर, तब जाकर ये होता है। लेकिन कंट्रोल करने के लिए भी उसको कमांड देना पड़ता है, उसको हमें सेट करना पड़ता है। तो सेट करने का जो डेटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है, और वो डिवाइस जो होता है सैटेलाइट वो ट्रांसफ़र किए हुए डेटा को रिसीव करता है, और फिर उसके साथ वो क्या करता है, वो कम्युनिकेशन में रहते ही वो धीरे धीरे वो अपना काम करता रहता है यहाँ पर। तो यही वो चीज़ें होती है।
तो धीरे धीरे सैटेलाइट वो हमारे एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है यहाँ पर। तो वो डेटा जो होता है वो ट्रांसफ़र उसी तरह से होता है, कोई डायरेक्टली डेटा ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होगा जो आप चाहते हो कि पावर केबल एंटर कर दूँ और डिवाइसेस के बिना ही मेरा डेटा स्टार्ट हो जाए और ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसका कोई ना कोई एक स्पेशल प्लान होता है, उसकी मेथड होती है, उसका कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का सिस्टम होता ही यहाँ पर। तो सभी का डिवाइस मैं आपको इस नेटवर्क के अंदर समझाऊंगा। अगर आपने ये समझ लिया तो आधा आपका 50% नेटवर्क कम्प्लीट समझ लोगे आप यहाँ पर, ओके। और इंटरनेट भी आप आधा समझ लोगे यहाँ पर। तो पहले हमें ये समझना होगा नेटवर्क के सिस्टम के अंदर OSI लेयर, इंटरनेट के अंदर हमारा डेटा कैसे जाता है यहाँ पर, वो पहले हमें समझना होगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउजर वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन से सेटिंग्स है तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर क्लिक करने से आपको चैनल पर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।